बच्चे को शादी करके तुमको 4 महीने हुआ और इम्प्रूवमेंट 30% है खाली, जिससे मैं खुश हूँ। उसके लिए मैं तुमको एक गिफ्ट देना चाह रही हूँ। गिफ्ट? Oh my God, I love gifts. ये है गिफ्ट। हाय हाय, ये मैला कपड़ा, आज किचन साफ करना है क्या? ये एप्रन मेरी सास की सास से पास डाउन होते हुए आ रहा। लेजेंडरी है ये एप्रन। लेजेंडरी मोर लाइक बदबू भरी। वो चिरांडी बो आती देखो, पुराने सुखे तेल की, ऐसा भक मार रही यहाँ तक। पर से इसको धुला भी नहीं सकते, कते पुछते नहीं है। चलो, प्ले टाइम इज ओवर। आज का टास्क है, बहु पहले टास्क सुन ले, उसके बाद हैबत खा। जी मास्टर शेफ सास, बोलिए टास्क। आज का टास्क है, ऐसी एंग्जायटी बढ़ाते हैं इन्हों मेरी टास्क बोलने से पहले, क्या खुशी मिलती कि इनको। शायद मैं हैबत खा के गलतियां कर देना बोल के पकवान में। ओके सासुमा, मैक्स लेवल रीच हो गई मेरी एंग्जायटी, अब टास्क बोल सकते हैं। फ्रिज में जो तरकारी है सिर्फ उसका इस्तेमाल करके आज का पकवान करना है, सड़ के जा रही तरकारी खत्म करना है। ठीक है, गॉट इट। और आपके पास टाइम सिर्फ 45 मिनट्स है। और वो कब शुरू हो रहा? अब 45 मिनट्स तो मेरे को खाली सोचने हो ना खाना क्या पकाना बोल के। आइले, इसमें तो खाली भिंडी टमाटर है, क्या करूं मैं इसका? ऑलरेडी मेरे दिमाग में 6 साले आ गए। अरे अम्मी, एक तो भी बोलिए ना, वो मैं आपकी पसंद का बनाना चाह रही हूँ। ये चीटिंग नहीं, खाली 42 मिनट बचे हुए है, जल्दी पका, मेरे को खा के गोली खाना है। अम्मा के, क्या हुआ सासुमा, क्या गलत कर दी मैं? क्या है वो? अदरक लहसुन का रेडीमेड पेस्ट। थू 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 थू, इतना ड्रामेटिक करने का कुछ था ही नहीं। मालूम भाई शो चल रहा, थोड़ा ओवर करना पड़ता, मगर इतना। अरे अदरक लहसुन का पेस्ट यूज कर ली मैं, सो व्हाट, बिग डील। यही सालन का मजा खत्म हो गया, छिलके पीस के पेस्ट निकालो। ऐसा बोले तो 45 मिनट्स मेरे उसमें चले जाते। एक काम करेंगे ना, आप अदरक घिस दो, मैं लहसुन छिल देती हूँ, सिंपल। मास्टर शेफ से अदरक नहीं घसा सकते नहीं मालूम था मेरे को, लेकिन मेरे सास है ना तो घस दिए। मास्टर शेफ सासुमा, ये तोड़ के दे सकते क्या? मैं तोड़ लेती हूँ। टाइम खत्म होने सिर्फ 10। ये टमाटर तो पूरे नहीं कटे। 9। नहीं कोथमीर। 8। नहीं ठहरो। 7। साग भिंडी और भिंडी का। 6। प्याज जल जा रही है प्याज। 5। 4। ला दो हाथा कर कुटिया में। 3। 2, 1। हो गया टाइम, 2 कदम पीछे हट। ये मास्टर शेफ की बेस्ट बात क्या दिखती मालूम मेरे को, ऐसा खाना पकते रहता मगर जैसे काउंटडाउन खत्म होता ना खाना रेडी। हाउ? उधर मेरी प्याज गल रही थी मगर ऐसा 1 बोलते कि शोरवा रेडी है। मैजिक। ये क्या है, खा के नाम दे देना है क्या? अब कोई भी सास अपनी बहू का खाना रोस्ट करे बिना तो खा नहीं सकते, लेकिन दूसरे सास एटलीस्ट खाना खाने के बाद ताना मारते, मगर हमारे सास तो मास्टर शेफ है ना, उन्हें ताना मार के खाना खाते। ये भिंडी का शेरवा परसों खाए थे। हाँ मास्टर शेफ सास, उसकी तो तरकारी बची हुई थी, 3 दिन से वो चला रहे। ये चावल का टेक्सचर सेम गुल्ला थी, ऊपर से ही उजाड़ मुँह का शेरवा। उजाड़ मुँह का शेरवा सासुमा, that's racism. और शेरवे के साथ मुद्दा चावल इज द बस, मेरे दातन झड़ गए समझी क्या? वो मेरा फोकस पूरा सालन पे था तो चावल थोड़े देर तक रह गए, ऊपर से आप काउंटडाउन शुरू कर दिए तो हैबत में थोड़ा गुलती हूँ। एक सालन को इतना परेशान हुए तुम, दावत रहे तो क्या करते,
लोग हम बोलेंगे क्या बहू को लाए बोल के? लोग क्या बोलेंगे? आई डोंट केयर, खाना है तो खाओ वरना मत खाओ, मैं तो वैसे भी बाहर का खाती हूँ। वाह क्या मजे का पानी है। वाह, आई डिड नॉट सी दैट कमिंग। मैं सोची मैं जीत गई, दुनिया की पहली बहू जो अपनी सास को खुश कर दी, मगर नहीं, ये ग्लिच इन द मैट्रिक्स तो हो नहीं सकता। दुआ निकली पानी वाले के वास्ते, आज बचा लिया उन्हें। मम्मी इतना बुरा पकाई मैं? ऐसा दिख रहा मिर्ची का पानी और गुलाती खा रही हूँ। अदरक सही नहीं छिले शायद, क्या मन? गोश्त तो चिंगम चाबे ऐसा दिख रहा। तीन सीटियाँ दी। क्या भेंडी है ये, मुरकुल चाबे ऐसा दिख रहा। और नमक तो पूरा इंडियन ओशन का नमक इसमें जागे ऐसा दिख रहा। क्या इंडोनेशियन डिश समझी? इमीडिएटली मेरी सास की सास की सास का एप्रन निकाल, कलंक है तू उस पे। एक एप्रन शेफ की पहचान होती है सासू, आप मेरा वजूद मिटा दे रहे। थैंक गॉड उतार दो बोले, वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी कसम से। इसमें भी बस गई अब्बो, अब आप लोग ड्राई क्लीनिंग करा के दो भाई।